Good morning, friends. I am Manoj Pargan, director of JSM Tutorials, and today we are discussing one of the important topic of chemistry, that is electronic configuration. In this electronic configuration, to know the electronic configuration, सबसे important अगर कोई बात है तो हमें उसके लिए structure of atom पता होना चाहिए. लेकिन एटम का स्ट्रक्चर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो समझता नहीं है हमें कि इलेक्ट्रॉन काय में रहता है, शेल में रहता है, सबशेल में रहता है, ऑर्बिटल में रहता कि और कहाँ रहता. इसलिए सबसे पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे. एटम के सेंटर में रहता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स रहते हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन. और इसके सराउंडिंग में रहती है अलग अलग शेल्स, और उस शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन शेल्स में रहते हैं. अभी इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का विचारों का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं. लेकिन हमें जो केमिस्ट्री में पूरा स्टडी है, इट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन. और इसके लिए हम पहले डिस्कस करेंगे इस इलेक्ट्रॉन के बारे में. अब एटम का इलेक्ट्रॉन या शेल्स का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम इस एटम को कंपेयर करते हैं सीटी के साथ. एटम को कंपेयर करते हैं हम सीटी के साथ, बजाने वाली सीटी नहीं, जो सीटी शहर जिसके अंदर हम रहते हैं. तो यू नो वेरी वेल अबाउट द सिटी. कोई भी सिटी अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो सिटी अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइड होती है. तो सिटी इज डिवाइडेड इन अ कॉलोनी, और कॉलोनी जो होती है उस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे हाउसेस होते हैं, घर होते हैं. और ये जो हाउस होते हैं, इन घर के अंदर बहुत सारी रूम्स होती है, और ये जो रूम्स होती है उस रूम्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी पीपल, लोग. तो लोग एक्चुअल में कहां में रहते हैं? रूम्स में. रूम्स होती है हाउस के अंदर, हाउस होता है कॉलोनी के अंदर, और कॉलोनी होती है सिटी में. इसी तरह एटम के अंदर बहुत सारी शेल्स होती है, मतलब ये शेल्स को हम कंपेयर करेंगे कॉलोनीज के साथ. और शेल्स के अंदर बहुत सारी सब शेल्स होती है, और सब शेल्स के अंदर बहुत सारी ऑर्बिटल्स होती है, और ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन. और इसलिए हम ये जो शेल्स हैं, इन शेल्स को हम कंपेयर करते हैं कॉलोनी के साथ. जो सब शेल्स हैं, इन सब शेल्स को कंपेयर करते हैं हाउस के साथ, घर के साथ. और ऑर्बिटल्स को कंपेयर करते हैं रूम के साथ, और इलेक्ट्रॉन मतलब हम पीपल. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी, जैसे बहुत सारी अलग अलग कॉलोनीज होती है सिटी में, उसी तरह बहुत सारी अलग अलग शेल्स होती है. कॉलोनी में बहुत सारे अलग अलग हाउसेस होते हैं, उसी तरह बहुत सारी शेल्स के अंदर बहुत सारी सब शेल्स होती है. और जिस तरह इस हाउस के अंदर बहुत सारी रूम्स होती है, तो सब शेल्स के अंदर बहुत सारी ऑर्बिटल्स होती है, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेल्स के बारे में. तो ये जो शेल्स हैं, शेल्स के नंबर होते हैं, जिसको मैं स्मॉल एन से डिनोट करूंगा. अब ये जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, बहुत सारी शेल्स हैं, लेकिन मैंने 5 लिख ली. अब इन शेल्स के नाम होते हैं, नेम, नेम ऑफ शेल. फर्स्ट नंबर की शेल का नाम है के शेल, सेकंड नंबर की शेल का नाम है एल शेल, थर्ड नंबर की शेल का नाम है यम शेल, नेक्स्ट वाली का नाम है एन शेल, और फिफ्थ नंबर की शेल का नाम है ओ शेल. तो ये है अलग अलग शेल्स के नाम. जिस तरह हमने अभी शेल्स को कंपेयर किया था सिटी के, कॉलोनी के साथ, तो एक कॉलोनी में कितने लोग रह सकते हैं इसकी कैपेसिटी फिक्स होती है, उसी तरह एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसकी भी कैपेसिटी फिक्स होती है. और ये कैपेसिटी ऑफ द शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n2, जहां पे n है नंबर ऑफ शेल. जैसे फर्स्ट शेल है k,
इसके अंदर सिर्फ एक इसका नंबर है वन, तो इसलिए इसकी कैपेसिटी आएंगी 2 × 1² आपको बताया 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, तो इसकी कैपेसिटी होगी 2। ये जो सेकंड शेल है एल, इसकी कैपेसिटी अगर हमें निकालनी है तो 2 × 2² क्योंकि इसका नंबर है 2, तो 2 × 2² 2² = 4 एंड 4 × 2 = 8। अब डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसका नंबर है 3, तो इसका स्क्वायर कर लेना, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 × 2 तो 18। डायरेक्ट जो भी शेल का नंबर है उसका स्क्वायर कर लेना और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। फोर्थ नंबर की है 4² = 16, 16 × 2 = 32, 5² = 25 × 2 = 50। तो कौन से भी 10 नंबर की भी शेल रही तो 10² = 100, 100 × 2 = 200। तो किसी भी शेल की हम इस फॉर्मूले से कैपेसिटी निकाल सकते हैं। फिर से एक बार की क्लियर कर देता हूं, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकंड शेल की 8, थर्ड की 18, 32 एंड 50। ये हो गई कैपेसिटी ऑफ द शेल। शेल्स कौन सी है, के एल एम एन। और अभी हमने देखा कि ये जो शेल्स है इन शेल्स के अंदर रहती है सब शेल्स, तो अभी हम सब शेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सब शेल्स, देयर आर डिफरेंट सब शेल्स, जिसमें एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। जिस तरह कॉलोनी के अंदर हाउसेस होते हैं उसी तरह शेल के अंदर सब शेल्स होती है। तो हमने सब शेल्स को हाउस के साथ कंपेयर किया था, और ये जो हाउस होते हैं कौन से हाउस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लोग रह सकते उसकी कैपेसिटी होती है। उसी तरह एक सब शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसकी भी कैपेसिटी होती है। तो ये जो एस सब शेल है इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2। अब बाकी जो सब शेल्स है उनकी कैपेसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमें उनमें 4 ऐड करना है। ऊपर वाले की कैपेसिटी में 4 ऐड करके हमें नेक्स्ट वाले की कैपेसिटी मिलेंगी। जैसे इसमें 2 + 4 = 6, तो इसकी कैपेसिटी हो गई 6 की। इसमें 6 + 4 = 10, इसमें 10 + 4 = 14, तो ये हो गई इनकी कैपेसिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। लेकिन हम बड़े महान होते हैं, हम उसमें 3 इलेक्ट्रॉन डालते, 4 इलेक्ट्रॉन डालते। तो ध्यान में रखना एस में ज्यादा से ज्यादा 2 भर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। पी में 6, डी में 10, तो ये सबसे पहले लर्न कर लेना। ये हो गई कैपेसिटी ऑफ सब शेल। अब सब शेल्स के अंदर होती है ऑर्बिटल्स, सब शेल्स के अंदर होती है ऑर्बिटल्स। जिस तरह घर के अंदर रूम्स होती है सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होती है। ये है एस सब शेल, एस सब शेल के अंदर है एक ऑर्बिटल। अब ये ऑर्बिटल कैसे ध्यान में रखना, इनकी जो कैपेसिटी थी एस की थी 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की थी 6 इलेक्ट्रॉन की, डी की थी 10 इलेक्ट्रॉन की और एफ की थी 14 इलेक्ट्रॉन की। तो इनकी कैपेसिटी को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2/2 = 1, इसकी 6/2 = 3, तो इसके अंदर है 3 ऑर्बिटल्स। इसकी कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10/2 = 5। तो जितनी ऑर्बिटल है उतने बॉक्स ड्रॉ करने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। उसी तरह इसकी कैपेसिटी है 14, तो 14/2 = 7, तो इसके अंदर 7 ऑर्बिटल रहेंगी। ऑर्बिटल ये ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली रहता है। जिस तरह हमें पता है कि रूम ये ऐसी जगह है जहां हम रहते हैं, एक्चुअल में रहते हैं,
रहते तो हम घर में भी है, रहते तो हम कॉलोनी भी है, रहते तो हम सिटी में भी है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ रहते हैं? रूम में। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में रहता है ऑर्बिटल, फिर ऑर्बिटल्स रहती है सबशेल के अंदर, सबशेल रहती है शेल के अंदर, और शेल्स रहते हैं एटम के अंदर। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स है। जिस तरह एक रूम में, बहुत छोटी रूम है तो उसमें दो से ज्यादा लोग नहीं रह सकते, उसी तरह एक ऑर्बिटल मतलब ये एक बॉक्स, इसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद है पी, पी में ज्यादा से ज्यादा सिक्स इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पी में एक ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल जो है एस में, एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स, उसमें दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। इन दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस अपवर्ड डायरेक्शनल एरो इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस डाउनवर्ड डायरेक्शनल एरो इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। तो दिस इज अबाउट द व्हाट इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्बिटल। अभी हमने शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस किया है। ध्यान में रखना, हमेशा कोई कोई कंफ्यूज होते हैं, शेल का ही दूसरा नाम ऑर्बिट है, शेल का ही दूसरा नाम ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट मतलब शेल, और ऑर्बिटल मतलब वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रहता है। सो नाउ वी स्टार्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम यहां पे एक सबसे पहले शेल्स लिखेंगे। आप बताएंगे मुझे कौन सी शेल्स है, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ऐसे समझो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, तो आपको आंसर्स भी करना है। तो शेल्स कौन सी शेल्स है? के, एल, एम और एन। और ये जो नंबर है इन शेल के, 1, 2, 3, 4, ये हो गए शेल्स के नंबर। ये फाइव नंबर की भी शेल है ओ। और अभी अभी हमने देखा कि शेल्स के अंदर रहती है सब शेल्स, शेल्स के अंदर कौन रहती है? सब शेल्स। और ये जो सब शेल्स है, अभी कौन से शेल के अंदर कितनी सब शेल रहेंगी, उसके लिए एक छोटी सी बात ध्यान में रखना। शेल का नंबर अगर 1 है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल रहेंगी, शेल का नंबर 2 है तो 2 ही सब शेल रहेंगी, शेल का नंबर 3 है तो 3 ही सबशेल रहेंगी। जैसे इस शेल का नंबर है 1, तो इसके अंदर सबशेल भी रहेंगी 1। और कौन सी सबशेल्स है हमारे पास? एस, पी, डी, एफ। तो इनमें से सिर्फ कौन सी रहेंगी इसमें? एस। एल शेल का नंबर है 2, तो इसके अंदर सबशेल्स भी रहेंगी सिर्फ 2। कौन सी 2? हमेशा शुरुआत एस से ही करना है। तो जैसे इसके अंदर सिर्फ एक ही सबशेल है एस, तो इसके अंदर 2 नंबर की शेल है इसलिए 2 सबशेल रहेंगी। तो एक रहेंगी एस और एक रहेंगी पी, ठीक है। अब इसके बाद एम शेल जो है, एम शेल के अंदर 3 सबशेल, क्योंकि इसका नंबर कितना है? 3। तो कौन सी? हमेशा शुरुआत एस से करना, पहली रहेंगी एस, दूसरी रहेंगी पी और तीसरी रहेंगी डी। तो ये हो गई एस, पी और डी। अब जो एन शेल है इसका नंबर है 4, तो आप बताओ कितनी सबशेल रहेंगी? 4। तो कौन सी? हमेशा शुरुआत एस से, एस, पी, डी, एफ। तो एस, पी, डी, एफ, ठीक है। अब है ओ नंबर की शेल, तो इसके अंदर भी कितनी सबशेल रहेंगी? 5। कौन सी? एस, पी, डी, एफ, जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जिस नंबर की शेल उतनी उसमें सबशेल। 1 नंबर की शेल 1 सबशेल, 2 नंबर की शेल 2 सबशेल,
थ्री नंबर की शेल तो थ्री सबशेल। अभी आप अगर देखेंगे तो इसमें भी ऐसा है, एल में भी ऐसे, सब में ऐसा है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी एस किस में है? यह पता करने के लिए हम, जैसे ये एस फर्स्ट नंबर की शेल में है इसलिए इसके सामने वन लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना है सबशेल के सामने जो नंबर लिखा होता है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल इन विच दैट सबशेल इज प्रेजेंट। जैसे ये एस फर्स्ट नंबर की शेल में है इसलिए हमने लिखा वन एस, ये एस सेकंड नंबर की शेल में है तो इसको लिखू मैं टू एस। उसी तरह ये पी सेकंड नंबर की इसमें है इसलिए इसको बोला टू पी, टोपी कहना नहीं है टू पी। उसी तरह ये एस थर्ड में है तो इसको लिखेंगे थ्री एस थ्री पी थ्री डी, ये फोर्थ में है तो इसको लिखेंगे फोर एस फोर पी फोर डी फोर, ये फाइव में है इसको लिखेंगे फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एफ फाइव जी। तो ये हो गया हमने किस तरह उसकी शेल से सब शेल से। तो इसके बाद का जो है हमने शेल्स सब शेल्स ऑर्बिट ऑर्बिटल्स देख लिया, अब इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।